दिव्यांग महिला का हुआ सामूहिक दुराचार, वीडियो हुआ वायरल। बुंदेली तम्बो महोत्सव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का सम्मेलन हुआ आयोजित, वित्त मंत्री रहे मौजूद। कृषक समृद्धि योजना का हुआ आयोजन, किसानों ने नहीं दिखाई रुचि, खाली पड़ी रही कुर्सियां। गाज गिरने से दो युवतियां हुई घायल, पटियागढ़ के लड़ाई बमोरी गांव की घटना। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। हटा थाना अंतर्गत एक ग्राम में शनिवार की दोपहर एक दिव्यांग महिला के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है। महिला के साथ दुराचार का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार एक महिला अपने गांव से हटा रही थी, इसी बीच में पड़ने वाले एक गांव में तीन चार शराबी युवाओं ने उसे पकड़कर गांव के बाहर बने सरकारी स्कूल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। इस संबंध में टीआई प्रदीप धोनी का कहना है कि इस तरह का वीडियो सामने आया है जिसकी जांच जारी है। परसों कोई महिला के साथ ऐसी घटना हुई थी, जिसकी कल उसका महिला का पति रिपोर्ट करने आया था। गुमशुदगी दर्ज की गई थी, क्योंकि महिला दिमाग से थोड़ी कमजोर है और वह यहाँ वहाँ चली जाती है, जिसके कारण वह घर पे नहीं पहुँची थी। तो महिला को ढूंढा गया लगातार, महिला के दस्तयाब होने पर उसके कथन दिए गए और कुछ लोगों ने वहाँ से निकलते हुए चश्मदीद साक्षी भी जिन्होंने देखा है उनके बयानों के आधार पर आरोपी दो आरोपियों को धारा 376(2) और SC/ST। आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोपियों की अभी लगातार तलाश चल रही है, एक आरोपी भी पकड़ा गया है। सर, आरोपियों ने महिला का वीडियो भी बनाकर वायरल किया है घटना? नहीं, वीडियो वायरल तो नहीं हुआ है, लेकिन एक साक्षी ने वीडियो उसको बताया। बुंदेली तम्बो महोत्सव में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। आज इसी क्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने भी शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद दिया। इस आयोजन में श्रीमती सुधा मलैया, भाजपा जिलाध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष मालती साड़ी, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रतिभा तिवारी के साथ बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की मौजूदगी रही। और इसीलिए ये बड़ी उपलब्धि आप लोगों के हित में हुई है, और आप लोगों के हित में है तो मेरे हित में है, आपका हित मेरा है, जिम्मेदारी है। नौकरी भर नहीं है, ये सेवा है, ये मानदेय है, ये तो जो भी है कम है या ज्यादा है, पर है सेवा और आप उसका। और मैंने आपसे कहा था तोड़ दो ये, हमारी सरकार जो है ये, हम जब कहते हैं कि हमारी सरकार ने हमेशा कर्मचारियों का हितों का ध्यान, हमने रख लिया, अब वो स्थायी हो गए, स्थायी कर्मचारी हो गए। मेरा कहना ये है कि दबाव से अभी तो हमें बहुत लोगों के लिए काम करना है, अभी तो कई काम हुए हैं,
अपने ग्रामीण पंचायत विभाग से सचिवों का काम हुआ है। अभी कल हम सबको यहाँ शिक्षा विभाग के लोगों ने बुलाया था, 500-600 लोग वहाँ थे, उनका भी काम हो गया है। आंगनबाड़ी में क्या है कि हमारे देश के अंदर आप उठा के देखना, जितने भी प्रदेश हैं कहीं 5,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं मिलता, परंतु जो गोदावरी के नीचे के प्रदेश है यानी दक्षिण भारत के, वहां मिलता है 7,000, एक जगह 7,500, एक जगह 8,000। केरल अकेला ऐसा प्रांत है, छोटा सा प्रांत है, जहां हमारी बहनों को मिलता है 10,000 रुपया। उसमें भी क्या उनको आपका मानदेय जो हमारे 10,000 किया है, और जो हमारी सहायिका बहनें हैं उनका 2,500 से बढ़ाकर 5,000 किया है। और जो सबसे अच्छी बात है, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट तो आई गई होगी जब सुना होगा कि आयु भी 60 से बढ़ाकर 62 कर दिए, जैसे दूसरी 70 साल के हो गए। परंतु आजकल आदमी फिट रहता है और उसका स्पात बढ़ गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी किया है कि जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, इनके लिए सेवानिवृत्त होंगी तो उनके लिए 1,00,000 रुपए मिलेगा। स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश कृषक समृद्धि योजना का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने किसानों को कृषक प्रोत्साहन राशि का वितरण किया, परंतु इस कार्यक्रम में किसानों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। किसानों के लिए यहां लगभग 1,500 कुर्सियां लगाई गई थी, परंतु यहां सैकड़ों कुर्सियां खाली पड़ी रही। इस आयोजन में पथरिया विधायक लखन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, जिला कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा के साथ बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी रही। करके मैं किसान को बांट रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात। माननीय मुख्यमंत्री जी, हितग्राहियों, बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। और बाकी हर जिले में भी अब क्लिक दबा के पैसा जारी किए, उसका पैसा ठीक से खाते में जाए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो सीएम हाउस के कंट्रोल रूम में सीधे फोन कीजिए। हमारे कंट्रोल रूम रात को 11 बजे तक खुला रहता है। और अपने किसानों का सम्मान किया, हाथ उड़ा के पगड़ी बांध के। इसी साल हम एक सम्मेलन करके सारे एक्सपोर्टर को बुला रहे हैं, एक संस्था बना रहे हैं जो किसान के माल को विदेशों में निर्यात करने की सारी संभावना तलाशेगी। कितनी जमीन में दूसरी फसल लगाए उसका वैज्ञानिक मॉडल मुन्ना सेन जी आ रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं। खिलान सिंह पिता दुरख सिंह ग्राम लखनी, इधर देखो मुन्ना। खिलान सिंह, चेतु सिंह पिता हल्के सिंह रामपुरा, 9,440 रुपए की राशि इनके खाते पहुंच रही है। मौसम में अचानक करवट बनती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गाज गिरने की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक मामले में बटियाड़ो थाना अंतर्गत ग्राम लड़ाई बमोरी में जोरदार बारिश के साथ बादल कड़कने के कारण गाज गिरने से दो युवतियां बुरी तरह घायल हो गई। जानकारी के अनुसार लड़ाई बमोरी निवासी अनीता एवं किरण के ऊपर दोपहर में गाज गिर गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें प्राथमिक उपचार हेतु बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल दमोह रेफर कर दिया गया। कहां से हैं आप? क्या हुआ था? आपसे लेना देना हमारा मतलब आपको कष्ट ना हो, ये है हमारा। मैं डॉक्टर नितेश आयलानी सीएससी बटियागढ़ से बोल रहा हूँ।
यहाँ पे दो पेशेंट आए थे अनीता और किरण, जो कि गाज गिरने से सेमी कॉन्शियस अवस्था में यहाँ पे आए थे। यहाँ पे उनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया, जिसके बाद यहाँ से उनका रेफर दमोह डिस्ट्रिक्ट के लिए कर दिया गया।